Experience, नमस्कार मैं सुनील अभिव्यक्ति आप लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ पीआईबी जिसमें पीआईबी जून 2019 यानी 5 जून से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि 2020 प्रिलिम्स के पहले तक आपको एक वर्षीय पूरा का पूरा पी का कंटेंट उपलब्ध कराऊँ पहली चीज दूसरी चीज़ इस पी से प्रिलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इंटरव्यू के लिए आपके लिए जो ये कंटेंट है किस प्रकार सहायक हो सकते हैं इन सभी विषयों पर मैं यहाँ संक्षेप में चर्चा करूँगा तो इसी सीरीज़ में ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सबसे पहले हम लोग 5 जून 2019 में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं तो सबसे पहली खबर है कि आप लोगों को पता है पांच जून को पर्यावरण दिवस तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर देख सकते हैं आप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्कूल नर्सरी पहल को जल्दी ही शुरू करने का प्रस्ताव है यानी उन्होंने कहा कि स्कूल नर्सरी पहल पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अब देखिए तो पीआईबी पे पर उनका एक स्टेटमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है तो पहली चीज की अगर हम देखें तो प्रिलिम्स में स्कूल नर्सरी नामक पहल किस लिए प्रारंभ की गई है पहली चीज ठीक है दूसरी चीज कि स्कूल नर्सरी पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ करी है तो ये दो जो मतलब इजी ढंग से प्रिलिम्स में करंट अफेयर्स सेगमेंट में या एनवायरमेंट में पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे यदि सीधे नहीं पूछेगा तो पर्यावरण के परंपरागत प्रश्नों के साथ इसको भी वहां पर यानी दो क्वेश्चन परंपरागत जैसा कि 2018 प्रिलिम्स में हुआ था और उसके बाद इसको वहां पर एक पॉइंट ये भी लगा दिया जाएगा कि हाल ही में सरकार ने स्कूल नर्सरी नामक पहल प्रारंभ किया तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा बढ़िया भरते हो क्यों इतना ही नहीं अब आप देखें कि इथिक्स में एक प्रश्न आया था यानी नीति शास्त्र प्रश्न पत्र 4 में एक प्रश्न आया था आप लोगों आप लोग अनुसार चेक करेंगे तो प्रश्न पूछा था कि पर्यावरणीय विकास कुल लेकर के कि पर्यावरण और विकास को हम एक साथ किस प्रकार से लेकर के चलें यानी सिंपल सा था कि हम विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं परंतु पर्यावरण को विकास के ऊपर या विकास को पर्यावरण के ऊपर तरजीह नहीं दी जा सकती ठीक है ना? दोनों को हमें समान रूप से लेकर के आगे चलना है ऐसा प्रश्न था उसके बाद लिखा था कि पर्यावरण और विकास के मध्य एक साध्य रणनीति बनाइए

केवल एक एक जैसे बेसिक की दृष्टि से वो एथिक्स कहा जाता है मतलब नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा अभिरुचि एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर उसका जो मूल है वो वो सिस्टम ही है कि सिस्टम को आप कैसे बेहतर करेंगे तो सिस्टम को बेहतर करने के लिए सरकारें जो काम कर रही वहाँ से अगर हम उदाहरण डालते हैं तो एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट परीक्षक के ऊपर पड़ता है तो ये हो गया कि मुख्य परीक्षा में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं तो इथिक्स में भी मैंने इसका उपयोग कराया इसके पश्चात आप देखें प्रश्न पत्र 3 3 की आपकी एक यूनिट ही है पर्यावरण संरक्षण आप यूनिट आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं यानी पर्यावरण संरक्षण पर पूरी की पूरी यूनिट है प्रदूषण पर संरक्षण पर तो स्वाभाविक है कि जब भी हम यहां से कोई प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार की पहलों को अगर हम वहां लिखते हैं तो हम कंटेंपरेरी आंसर लिखने की कंडीशन में आ जाते हैं तो वहां से भी इसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो फिर इसके पश्चात निबंध में अब आप देख सकते हैं कि निबंध में पर्यावरण विषय पर जैसे सतत विकास ठीक है तो सतत विकास पर आप देखेंगे 2012 में याद है मुझे तो 2012 में यह प्रश्न पूछा सतत विकास तो सतत विकास पर भी लिखेंगे तो स्वाभाविक है इस प्रकार की पहलों को हम उसके सतत विकास के यानी धारणीय विकास के उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं कि भाई हम अपने वर्तमान संसाधनों की कीमत पर जो है कहीं ना कहीं भविष्य की न्यू डालें जिससे कि भविष्य क्या होगा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बचेगा नहीं तो उस उस बैलेंसिंग के लिए स्कूल नर्सरी पहल को हम उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट का कोई भी प्रश्न निबंध में किसी भी प्रकार का रूप लेकर के अगर आए तो आप इस पहल को वहां पर उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं आइए अब हम लोग देखें कि इस स्कूल नर्सरी पहल की मुख्य बातें क्या हैं डियर पेरेंट आप स्क्रीन पे आपके सामने है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय पूरे देश में स्कूल नर्सरी नामक पहल का जल्दी ही शुभारंभ करेगा अब आइए देखें क्या है यह योजना इसमें इस स्कूल के बच्चे एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और अपनी वार्षिक परिणाम के अवसर पर उस पौधे को एक ट्राफी के रूप में लेंगे इस पहल में स्थानीय वन विभाग आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा कौन तो अंडरलाइन करिएगा स्थानीय वन विभाग ठीक है ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें ही प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है और हमें तकलीफ तो स्थानीय वन विभाग इस पहल के माध्यम से स्कूली बच्चों और पौधों के बीच एक अस्थाई बंधन को पोषित करना प्रमुख लक्ष्य है अब आप देखिएगा क्या स्कूली बच्चों और पौधों के बीच एक स्थाई बंधन को पोषित करना डियर एस्पिरेंट्स एथिक्स की एक यूनिट है फर्स्ट यूनिट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस नीति संबंध, और उस यूनिट का जो आखिरी मूल्यों के विकास में परिवार स्कूल एवं समाज की भूमिका तो मूल्य का मतलब क्या पर्यावरणीय मूल्य यानी पर्यावरण का संरक्षण भी एक प्रकार का मूल्य है और उसका नाम क्या है पर्यावरणीय मूल्य तो स्कूल नर्सरी प्रोग्राम के द्वारा हम क्या करेंगे कि पर्यावरणीय मूल्यों का विकास करेंगे जो हमारी जनरेशन है जो आगे आ करके भारत के लिए बहुत बड़ा पॉपुलेशन डिविडेंड का काम करेगी तो आप देख सकते हैं फिर से मैंने इसको एथिक्स के अंदर डाल दिया आप लोग इससे सहमत भी होंगे फिर इसके बाद आ, उसी में अगला पॉइंट आप देख सकते हैं इस अभियान के तहत ये जो अभियान स्कूल नर्सरी पहल है सेल्फी विद सेम्पलिंग अभियान की भी शुरुआत की गई क्या सेल्फी विद सैपलिंग ये भी अंडरलाइन सेल्फी विद सैपलिंग तो सिंपल सा है इस योजना के बारे में आपने जाना इसका उपयोग और अब इसमें हम क्योंकि स्वाभाविक है पर्यावरण मंत्री का क्या विचार है वो देख लेते हैं तो श्री जावड़ेकर साहब ने पर्यावरणीय मुद्दों और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया है। स्वाभाविक है अगर एक व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के लिए अपने जीवन में कम से कम आठ से दस पौधे लगाने चाहिए दूसरा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर 125 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की राजमार्ग पूरे देश में हजारों किलोमीटर लंबे हैं अब आप देखिएगा इन्हीं दोनों बिंदुओं से अभी हमने बातचीत किया था कि एथिक्स में प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण और विकास के मध्य साध्य रणनीति सुझाइए वो भी एक केस स्टडी खंड में था सबसे बड़ी बात है सेक्शन बी में पर्यावरण एवं विकास के मध्य साध्य रणनीति तो आप देखिए वहां पर एक उदाहरण फिर से आप ये लगा सकते हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी नाम लिखने की आवश्यकता नहीं आप लिखेंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर 125 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प रखा है इसी प्रकार के संकल्प पर्यावरण और विकास के मध्य के संतुलन को स्थापित करेंगे और यही पर्यावरण एवं विकास के मध्य साध्य रणनीति का एक हिस्सा है तो ये सारी चीजें जैसे हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं हमें हम है तो हम हर हर पर्यावरण दिवस सरकारों उद्योगों समुदायों और व्यक्तियों से आग्रह करता है यानी जो पांच जून का हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस वो सरकारों उद्योगों समुदायों और व्यक्तियों से आग्रह करता है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा हरित प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और विश्व में शहरों और क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिलकर काम करें बहुत महत्वपूर्ण अब देखें पांच जून 2019 का आयोजन थीम जून को आयोजित होने वाला विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक पर्यावरणीय कार्य के लिए सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी इस वर्ष चीन द्वारा वायु प्रदूषण की थीम पर की जा रही तो देखिए फिर से एक प्रश्न प्रलिम्स का उछल करके आया क्या आया कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने करी या वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने करी आपने कहा चीन ने करी ठीक है आपका आंसर सही हो गया और इसकी थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की तो वायु प्रदूषण देखिए फिर से आया कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी आंसर टिक मारेंगे आप वायु प्रदूषण देखिए कितना महत्वपूर्ण है अब देखिए वायु अब इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है और उसके कारण क्या-क्या समस्या आ रही संक्षेप में डियर एस्पिरेंट्स अब आप विचार करें देखें कि पीआईबी पे देखिए हमारे कितने काम की चीजें आ रही हैं तो हमने क्या देखा दो प्रश्न यहां से प्रीलिम्स के कैसे बन रहे बड़ी आसानी के साथ देखा ठीक है अब हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा इसके आगे क्या क्या बातें हैं तो वायु प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बन गया है वायु में मौजूद प्रदूषक हृदय रोग गंभीर सांस की बीमारियों फेफड़े के कैंसर से होने वाली एक तिहाई मौतों के लिए जिम्मेदार है वायु प्रदूषण मूल रूप से हमारे जलवायु को बदल रहा है जिससे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है भारत ने पिछले विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर जोर दिया था अब आप देखें यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है कि ये जो वायु ये जो बायो प्रदूषण के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हमें देखना फिर से प्रश्न पत्र तीन में पर्यावरण संरक्षण उसमें एक शब्द है प्रदूषण तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में वायु प्रदूषण पर ही क्वेश्चन बने तो आपके पास एक छोटे से लेक्चर में एक छोटा सा कंटेंट उपस्थित है आप इसको अपने दिमाग में बनाते हुए इसको आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वायु प्रदूषण के बारे में हमने इतना देखा फिर इसके बाद वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख तथ्यों पर अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं विश्व में बानवे प्रतिशत व्यक्ति साफ हवा में सांस नहीं ले पाते हैं वायु प्रदूषण लागत से प्रतिवर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फाइव ट्रिलियन डॉलर का प्रभाव पड़ता है ये आप ध्यान रखिएगा दूसरा ओजोन प्रदूषण से 2030 तक फसल पैदावार 26 प्रतिशत घटने का अनुमान है अब आप देखें किस प्रकार से आपके सामने प्रदूषण समस्या उत्पन्न कर रहा है तो प्रदूषण पर कोई प्रश्न बने तो इन सब रेफरेंसेस को वहां पर आप कोड कर सकते हैं भारत की पहल संक्षिप्त सा पॉइंट है भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है जो देश में बढ़ती हुई प्रदूषण समस्याओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक और समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर रणनीति है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने के अलावा वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण और उन्मूलन करना है अब आप देखें पांच जून की दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर थी टी में वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वेबसाइट पे थी वो थी कि निपाह वायरस के बारे में निपाह वायरस वायरस केंद्रीय दल ने केरल में निपाह से बचाव के जन सामान्य उपायों की समीक्षा करी कि जो भी मतलब वहां पर काम चल रहे थे तो उसी का रेफरेंस लेकर के मैंने निपाह वायरस पर पूरी की पूरी आपके लिए एक जो है सूचना रखी तो आइए देखते हैं कि फिर निपाह के डर से केरल में सहमे लोग ठीक है ना तो अब ये हेडिंग है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस तेजी से फैलता वायरस है जो जानवरों और इंसानों दोनों में गंभीर बीमारी याद रखिएगा जानवरों में भी इंसानों में भी केरल में इन दिनों एक बार फिर वायरस निपाह अपने पैर पसार रहा है हाल ही में केरल की स्वास्थ्य राज्य मंत्री के के शैलजा ने केरल में निपाह वायरस के मामले की जानकारी दी है तो स्वाभाविक है एक तेईस साल के युवक को निपाह वायरस से संक्रमित होने के संदेह में अस्पताल में भर्ती कराया गया ये एक घटनाक्रम है अब आइए देखते हैं हम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि जो आ, संक्रमित लोग होते हैं इस प्रकार के वायरस से तो उनके लिए उसकी जांच के लिए एक केंद्र है जिसे हम कहते हैं नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे तो इसको आप याद कर लीजिएगा नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे ठीक है तो आप याद कर लीजिएगा में पूछ सकता है अब हम से देखेंगे क्या है निपाह वायरस इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह तेजी से फैलता है इसका सबसे पहला मामला उन्नीस में मलेशिया के एक गांव यानी याद रखिएगा मलेशिया में सबसे पहले आया मलेशिया मलेशिया के एक गाँव सांगुई निपाह में पता चला है और तभी से इसका नाम निपाह वायरस पड़ा यानी इसका इसका नाम कैसे पड़ा तो सबसे पहले मलेशिया के गांव सांगुई निपाह में और उसी के कारण इसका नाम निपाह पड़ गया ये याद रखिएगा इस बीमारी के चपेट में आने की पहली घटना हुई जब मलेशिया के खेतों में अब ध्यान रखिएगा ये मैं कोई घटनाक्रम नहीं पढ़ रहा हूं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फैला कैसे जब मलेशिया के खेतों में शुअर पिग और फ्रूट बैट चमगादड़ की एक प्रजाति है ये फ्रूट बैट तो यानी कि तब हुई जब मलेशिया के खेतों में सुअर जो है वो फ्रूट बैट के संपर्क में आए उस वक्त इस बीमारी के वाहक सुअर बनते थे वो क्या खाते थे जो फलों के टुकड़े जिनको चमगादड़ खा लेते उसको जब ये खाते थे उनका बचा हुआ हिस्सा तो उन्हीं के वायरस इनके शरीर में आ जाते थे और जब इनको मानव खाते थे तो फिर वो मानव में फैल गए लेकिन इसके बाद जहां जहां <coughs> निपाह के बारे में पता चला इस वायरस को लाने ले जाने वाले कोई माध्यम नहीं थे साल 2004 में बांग्लादेश के कुछ लोग इसकी चपेट में आए दरअसल इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और पेड़ तक इस वायरस को ले जाने वाली चमगादड़ थी जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता था तो आप देख सकते हैं कि अब आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि निपाह वायरस के भी लक्षण क्या जो कि में इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं तो निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को आमतौर पर बुखार दर्द उदापन मानसिक भ्रम कोमा विचलन होता है निपाह वायरस से प्रभावित लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है और साथ में जलन महसूस होती है वक्त पर इलाज नहीं मिलने पर मौत भी हो सकती है ये सिंपल सी बात है इंसानों में निपाह वायरस एंसेफ्लाइटिस से जुड़ा है जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती याद रखिएगा निपाह और एंसेफ्लाइटिस में संबंध है यह भी प्रिलिम्स का एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मामलों में 24 से 28 घंटों के अंदर लक्षण बढ़ने पर मरीज कोमा में चला जाता है तो ये सिंपल सी स्थिति है और आपको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है कि इंसानों में निपाह इन, इन्फेक्शन से सांस लेने से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर जानलेवा एंसेफ्लाइटिस भी अपनी चपेट में ले सकता है इंसानों या जानवरों को इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना है और अब देख लेते हैं भारत में स्थिति क्या है भारत में निपाह वायरस का हमला पहली बार नहीं है देश में निपाह वायरस का पहला मामला वर्ष 2001 के जनवरी और फरवरी माह में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दर्ज किया गया अब ये भी देखिए सबसे पहले कहा तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इस दौरान छाछठ लोग निपाह वायरस से संक्रमित हुए थे इनमें से उचित इलाज न मिलने की वजह से पैंतालीस लोगों की मौत हो गई थी सिंपल सी बात है तो ये आप अपने दिमाग में निपाह वायरस के इस टॉपिक में दो बातें याद रखेंगे कि निपाह वायरस के अभिलक्षण क्या है और निपाह वायरस क्या है और कैसे फैलता है दैट्स इट